दोस्तों आपको पता होगा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर एलियंस मौजूद है और इसका पता लगाने के लिए न जाने कितने स्पेस एजेंसियां अपने मून यात्री और मून मिशन स्पेसशिप को चांद पर अभी तक भेज चुके हैं, लेकिन उन मून मिशन से अभी तक किसी भी स्पेस एजेंसी को चांद पर एलियंस होने की पुख्ता सबूत नहीं मिला है। आपको पता होगा कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपनी पहली कदम रखे थे। उन्होंने चंद्रमा का भ्रमण कई दिनों तक किया और इन्होंने चांद पर छिपे कई रहस्यों से भी पर्दा उठाया था। दोस्तों इनका मेन मकसद चांद पर आने की एक ही था, वो है एलियंस को ढूंढना। लेकिन दोस्तों इनके रिसर्च में चंद्रमा पर एलियंस का तो एक सुराग भी नहीं मिला। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे भारत के इसरो स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 3 मून मिशन को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफल उड़ान करवाया और 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर उसके विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया। दोस्तों आपको सुनने में तो काफी आसान लगता होगा ये मून मिशन, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाया, चांद का यह दक्षिणी ध्रुव इतनी भयावह और डरावनी है कि आज तक इस पर कोई भी देश के स्पेस एजेंसी ने अपना मून मिशन को नहीं भेजा, और किसी ने भेजा भी तो वह इसके रहस्यमय जाल में फंसकर नष्ट हो गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चांद का यह दक्षिणी ध्रुव कितना खतरनाक होगा। यही नहीं, चंद्रमा पर तो धरती के बराबर यहाँ 14 दिनों की घोर अंधेरी रात एवं 14 दिनों का काफी उमस भरी तापमान होता है। जब चांद पर दिन रहता है तो इसकी तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और वही रात होती है तो इसकी तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। दोस्तों अब आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड से जागकर वह फिर से पहले जैसा वर्क करने लगा है। इसके सारे इक्विपमेंट एक्टिवेट हो चुके हैं। दोस्तों चंद्रमा की इतनी कठिन ठंड को कोई भी यंत्र सहन नहीं कर सकता, बल्कि वह तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फाइनली यह साबित कर दिया है कि हमारा हिंदुस्तान और खासकर इसरो इतना पावरफुल है जिसको कोई भी देश की स्पेस एजेंसियां टक्कर नहीं दे सकती है। दोस्तों एक कहावत है ना कि जाको राख साया मार सके ना कोई। दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस को ऑन भी कर देना ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी नई इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।